आज पहुंच सकते हैं, शायद पूरा तो नहीं कर पाएंगे, शेष रह जाएगा तो कल इसको हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ गौर पूर्णिमा का आयोजन है और भक्त लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला को सुनने के लिए उत्सुक हैं। हम चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन यात्रा के विषय में कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। देखिए, चैतन्य महाप्रभु भक्ति के प्रचार के लिए अवतार ग्रहण किए, इसके साथ ही उनका अपना व्यक्तिगत प्रयोजन भी था। वे खुद भक्ति के रस का आस्वादन करना चाहते। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कई एक प्रयोजन है और वह एक स्वतंत्र विषय है चर्चा करने के लिए, और कभी अवसर आएगा तो सुबह के सत्र में उसमें भी, उसके विषय में भी चर्चा होगी। चैतन्य महाप्रभु अवतार ग्रहण करके 24 साल तक नवद्वीप में रहे, और 24 साल के बाद या 24 साल के अंत में ही 24 वत्सर शेष जय माघ मास प्रभु कैला संन्यास, 24वें वर्ष का अंत था और उसी समय संन्यास ग्रहण किए, और संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे। यद्यपि संन्यास के बाद तुरंत ही वे वृंदावन आना चाहते थे, वे बार बार अपने संकल्प को दोहरा रहे थे कि हम तो संन्यास लिए, बेस कर लिए सन्यासी का, लेकिन वृंदावन जाएंगे और एकांत बसिया, निभृत बसिया, वृंदावन में जा कर के एकांत में भगवान के भक्ति करूँगा और उससे माया को पार कर जाऊँगा। श्लोक बोल रहे थे, अहम तरिष्यामि दुरंत पार, जिस माया को पार करना अत्यधिक कठिन है, दुरंत पार, और उस माया को हम भगवान मुकुंद के चरण की सेवा करके पार करूंगा। लेकिन अद्वैताचार्य के घर में माँ से भेंट हुई, और माँ के इच्छा का अनुसरण करते हुए वे वृंदावन के जगह जगन्नाथपुरी चले गए, और माँ के इच्छा का अनुसरण किए, माँ को सांत्वना दिए, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी बातें। चैतन्य महाप्रभु जिस रस का आस्वादन करना चाहते थे तो उसके लिए जगन्नाथपुरी उपयुक्त जगह दिख रहा था। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, जगन्नाथपुरी में रहने से जगन्नाथपुरी के भक्त लोग बहुत प्रसन्न थे, बहुत सुख अनुभव कर रहे थे। लेकिन माँ को वचन दिए थे चैतन्य महाप्रभु कि माँ हमको छुट्टी दो और हम उधर जा करके अपने भाई का, बड़े भाई का अन्वेषण करूंगा। तो थोड़ा सा माँ सोच रही थी कि हमारे बड़े पुत्र का कम से कम पता चल जाए कहाँ है, और चैतन्य महाप्रभु को वह छुट्टी दी। किसी किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि माँ अपने बेटे को दूर जाने के लिए कैसे छुट्टी दे दी। देखिए, माँ विवेक से युक्त है, उसके पास विवेक है, वह विचार कर रही थी
कि यदि बेटा हमसे दूर जा रहा है तो हमको बहुत कष्ट होगा, लेकिन यदि अपने बेटे को मैं अपने घर में रखती हूँ तो अब तो ये संन्यास धर्म स्वीकार कर लिया है, सन्यासी बन गया है, तो लोग इसकी निंदा करेंगे। तो माँ के मन में विचार है कि अपने कष्ट को तो मैं सह सकती हूँ, लेकिन हमारे बेटे का कोई शिकायत करेगा तो वो तो हमारा हृदय फट जाएगा। तो अपने कष्ट को सहने के लिए वे तैयार हुई, लेकिन अपने बेटे के शिकायत को सहने के लिए वो तैयार नहीं थी। और इसलिए हमारे बेटे का कोई शिकायत न करे, और इसलिए वह सहमति दे दी कि जगन्नाथपुरी चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु तो माँ को वचन दिए थे, तो वह कारण था। और दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार करना था, यह कारण था। और इसके साथ ही जो दक्षिण भारत में परम रसिक भक्त थे राय रामानंद जी, उनसे मिलना था। और चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा किया, लगभग 2 साल व्यतीत हो गया। फिर जगन्नाथपुरी में आए तो भक्त लोग बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि हम वृंदावन की यात्रा करें, वृंदावन का दर्शन करें। ये ही भक्तों से कहते थे कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, तो भक्त लोग मना कर देते थे कि ना, यह स्थान छोड़ करके मत जाइए। राजा को पता चला, प्रताप रुद्र को, कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ करके दूसरे जगह जाना चाहते हैं, तो ये बहुत विकल हो गए। और भक्तों से कहे कि उनको राजी कीजिए, उनको मनाइए कि इस स्थान को न छोड़ें। वो चैतन्य महाप्रभु बार बार भक्तों से कह रहे थे कि हम वृंदावन जाएंगे, और उसी क्रम में माँ से एक बार मिलेंगे, गंगा स्नान करेंगे, हमको छुट्टी दीजिए। बहुत आग्रह को देखते हुए भक्त लोग सहमति दे दिए। चैतन्य महाप्रभु चले वृंदावन के लिए, तो उनके साथ सैकड़ों लोग चलने लगे। और रास्ते में आते आते तो कई एक लोग उनके साथ हो गए, तो हजारों हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे, साथ साथ चलने लगे। और चैतन्य महाप्रभु बंगाल में गए, सनातन गोस्वामी से मिले, अपने माँ से भेंट किए, गंगा जी का आस्वादन किए, और वृंदावन जाने की बात कर रहे थे, वृंदावन ही जाना चाहते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी उनको कहे कि वृंदावन जाई बार न है परिपाटी, यही परिपाटी है, वृंदावन जाने का यह सिस्टम नहीं है, यह परंपरा नहीं है कि हजारों हजारों लोग को लेकर के आप वृंदावन जाए। बहुत बड़ा ग्रुप होने से वृंदावन का ठीक से आस्वादन नहीं हो पाता, खास करके अब जिनको ग्रुप को लीड करना है तो उनका तो ध्यान उधर ही लगा रहता है, कौन इधर छूटा उधर छूटा। और सनातन गोस्वामी की बात मान करके चैतन्य महाप्रभु बंगाल से ही वापस चले गए। देखिए, भगवान है, भगवान को समझना थोड़ा कठिन होता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल सनातन गोस्वामी के बात से ही वे अपनी यात्रा को रोक दिए। सच्चाई यह है कि वृंदावन तो जाना ही था, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य था रूप सनातन से मिलना।
जैसा हम कल कुछ उल्लेख किए थे कि रूप सनातन जो राजा के सेवा में थे, नौकरी में थे, दबीर खास और साकर मलिक, तो वे चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको कुछ दिन के लिए मना कर दिए। मना तो कर दिए, लेकिन खुद चैतन्य महाप्रभु ही उनसे मिलने के लिए आतुर थे। और सच्चाई यह है कि चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन से मिलने के लिए ही बंगाल में गए, इसका प्रमाण भी है। एक भक्त थे नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, वो चैतन्य महाप्रभु के मार्ग को सजा रहे थे। देखिए, भगवान की सेवा सबके लिए सुलभ है। जिसके पास संसाधन है तो अपने संसाधन का उपयोग करके भगवान की सेवा करनी चाहिए, और यदि संसाधन नहीं है, कोई अकिंचन भक्त है, तो मानसी सेवा भी कर सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास संसाधन है और उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, और सिद्धांत देने लगे कि भगवान तो मानसी सामग्री से, मानसी उपचार से भी संतुष्ट हो जाएंगे, तो हम मन से उनको, उनकी सेवा करेंगे, तो यह अपराध हो जाएगा। हमारे पास सामग्री है, संसाधन है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, यह धर्म है। और कोई अकिंचन भक्त है तो उसके लिए सेवा का पर्याप्त अवसर है। जो संसाधन से युक्त व्यक्ति है तो सामग्री को अर्पित करेगा, भगवान को प्रकट अर्पित करेगा, तो जो फल उसको मिलेगा वही फल अकिंचन भक्त को मन से भी उस सामग्री को भेंट करने से प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की सेवा सबके लिए सुलभ। इस विषय में एक प्रसिद्ध घटना है। प्रतिष्ठानपुर एक स्थान है कावेरी नदी के तट पर, तो वहाँ एक बड़े ही गरीब ब्राह्मण रहते थे। ठाकुर जी को घर में रखे थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन उनका आमदनी बहुत कम था। एक दिन वे वैष्णवों की सभा में गए, सत्संग में गए, तो वहाँ यह प्रसंग चल रहा था कि भगवान की सेवा कोई मन से भी करता है तो उससे भी पूरा लाभ मिलता है। अब इस बात को सुन करके उस गरीब ब्राह्मण के मन में बड़ा उत्साह हुआ कि हम ठाकुर जी को रखे हैं तो हम भी वार्षिकोत्सव करेंगे। हम लोग वार्षिकोत्सव कहते हैं, लेकिन वैष्णव समाज में पाटोत्सव कहते हैं। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है, उस दिन उनका अभिषेक होता है, और इसके बाद उनका अनावरण होता है, वे दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं, तो इस अवसर को पाटोत्सव कहते हैं। और मंदिर का नियम है कि उत्सव जरूर करना चाहिए। मंदिर रखे हैं और उत्सव नहीं कर रहे तो मंदिर का एक अपराध होता है। अब उत्सव के विषय में इतना जरूर छूट है कि जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उत्सव करेगा। जो संसाधन युक्त हैं तो उनके लिए विधान है कि वैभव उत्सव करें। वैभव उत्सव का अर्थ है कि अपने धन का उपयोग करें भगवान की सेवा में, अपने इष्ट मित्रों को बुला करके और भजन कीर्तन का आयोजन करके भगवान के सेवा में अर्पित करें। इसको वैभव महोत्सव कहा जाता है, यह भक्ति का अंग है। लेकिन अब जो बहुत संसाधन युक्त नहीं है
और जितनी साधन है उसके अनुसार उत्सव कर सकते। तो ब्राह्मण अपने ठाकुर जी का पाटोत्सव करने का आयोजन किए। अब वार्षिकोत्सव था, पाटोत्सव था, तो मंदिर का खूब वे सफाई किए, मन ही मन मंदिर का सफाई किए, और कई एक नदियों का जल लाए। दक्षिण भारत में थे, कावेरी का जल तो लाए ही, नर्मदा का जल लाए, गंगा जी का जल लाए, जमुना जी का जल लाए, सरजू का जल लाए। जो उत्तर भारत की नदियां हैं तो वहां से मन ही मन जल लाने लगे, और जल ला रहे थे तो सोने के पात्र में ला रहे थे। भगवान का अभिषेक किए, उनके शरीर को सुखाए, और इसके बाद खूब सुंदर श्रृंगार किए। अब भगवान को भोग लगाने की बारी आई तो विविध प्रकार का पकवान बनाने लगे, सब मन ही मन बना रहे थे। तो भोज बनाने का भी कुछ नियम है, जैसा भगवान भागवतम में बोले हैं कि पच्यतम विविधान पाकान सुपांता पाय सादय। खीर पहले बनाना चाहिए, क्योंकि खीर ठंडा हो जाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, प्रभुपाद जी ऐसा लिखे हैं। और सब्जी गर्म रहता है तब स्वाद अधिक रहता है, तो खीर पहले बनाना चाहिए, खीर ठंडा हो जाए तब भगवान को भोग लगाना चाहिए, और सब्जी गरम गरम भी भोग लगा सकते हैं। तो ब्राह्मण कई एक चीज बनाए और भगवान को भोग लगाना चाहते थे। अब वे खीर को जांचना चाहते थे कि ठंडा हुआ कि नहीं। अब खीर को जांचना चाहते थे, वो खीर को उंगली से टच किए, उंगली से छुए, लेकिन खीर तो बहुत तप्त था और उंगली उंगली जल गई। अब उंगली जल गई तो बड़ा शोक में पड़ गए कि खीर तो अब दूषित हो गया, कैसे भगवान को भोग लगाएंगे। और भगवान उस समय वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ थे। अब इस घटना को देख करके, ब्राह्मण के भाव को देख करके भगवान को हंसी आ गई। अब हंसी आई तो लक्ष्मी जी साथ में हैं, लक्ष्मी जी पत्नी हैं, तो उनको कोई संकोच नहीं, प्रश्न करने लगे कि हंस क्यों रहे हैं, अभी एक साथ बैठे हैं और यहाँ तो हंसने का कोई बात नहीं, आप क्यों हंस रहे हैं। और भगवान तो कुछ देर तक टालना ही चाहे, लेकिन भाई पति का इतना शक्ति नहीं है कि पत्नी के आग्रह को ठुकरा दे। अब भगवान कहे कि ठीक है मैं बतलाता हूँ। तो भगवान विमान भेजे, अपने पार्षदों को भेजे, और ब्राह्मण को सीधे वैकुंठ में बुला लिए, और तब लक्ष्मी जी के सामने सब घटना को बतलाए। तो मैं यह कह रहा था कि भगवान के मानसी सेवा भी होती है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के यात्रा पर निकले तो एक भक्त थे नृसिंहानंद, तो भगवान के पथ को मन ही मन सजा रहे थे। उसके दोनों तरफ फूल बिछा रहे थे, कहीं कहीं कोई वृक्ष है तो उसके नीचे कोई आसन पर फूल सजा रहे थे कि भगवान चलते चलते थकेंगे तो थोड़ा यहाँ विश्राम करेंगे। वो चैतन्य महाप्रभु जिस मार्ग से जा रहे थे तो उस मार्ग को सजा रहे थे, लेकिन अब कनाई नाटशाला के बाद के मार्ग को फूल से सजाना चाहते थे, लेकिन अब वो ध्यान में भी नहीं सज रहा था। यहाँ तक तो मार्ग को सजाते गए, लेकिन कनाई नाटशाला के आगे
मार्ग सज ही नहीं रहा था, मन से भी नहीं सज रहा था। और उसी समय वो निर्णय दे दिए थे कि भाई चैतन्य महाप्रभु कनाई नाटशाला से आगे नहीं जाएंगे। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन से मिलने के लिए ही गए। सनातन गोस्वामी कहे कि इतने भीड़ के साथ वृंदावन जाना ठीक नहीं है, चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए। लेकिन अब कुछ दिन रहने के बाद फिर वे अपनी इच्छा प्रकट किए, राजा को पता चला तो कहे कि इस साल मत जाइए, भक्तों से संदेश दिए कि एक साल बाद जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु सारी योजना कर रहे थे, जुलाई के महीने में आषाढ़ महीने में रथ यात्रा का आयोजन होता है, तो उस समय पर बंगाल के बहुत सारे भक्त जाते थे। चैतन्य महाप्रभु उनके साथ खूब प्रेम व्यवहार निभाते थे, उनके साथ भोजन करते थे, स्नान करते थे, कथा सुनाते थे। और जो भी नवद्वीप से या दूसरे साइड से भी गृहस्थ भक्त उपहार देते थे तो उस उपहार को स्वीकार करते थे। चैतन्य महाप्रभु भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं, वे हैं सन्यासी, स्त्रियों से प्रकट व्यवहार उनका कुछ नहीं है। लेकिन जो भी स्त्रियां चैतन्य महाप्रभु को कुछ भेंट अर्पित करती थी, कुछ खाने का सामान बना करके देती थी, कुछ भोज्य पदार्थ देती थी, तो चैतन्य महाप्रभु उसको बड़े ही प्रेम से स्वीकार करते थे और उसको अपने पास रखते थे और कई एक दिन तक उसको थोड़ा थोड़ा खाते थे। भगवान किसी की उपेक्षा नहीं करते। लेकिन अब उनको वृंदावन जाना है तो भक्तों को मना कर दिए कि इस बार आप लोग रथ यात्रा में मत आइएगा। और नित्यानंद प्रभु को भी कहे कि देखिए हम आपसे कुछ भिक्षा मांगते हैं। हम कहे कि क्या भिक्षा, आपका तो हम पर अधिकार है, जो कहेंगे वो दूंगा, भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है। तो कहे कि अब आप जगन्नाथपुरी में मत आइए, उधर ही भक्ति का प्रचार कीजिए। अब चैतन्य महाप्रभु कहे नहीं, नित्यानंद प्रभु कहे कि हम तो आपके भृत्य हैं, जो आपका आदेश है वही मैं पालन करूँगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा के लिए सब तैयारी पहले से कर रहे थे। वो रथ यात्रा का समय बीता तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर से कहे, देखिए हम आप लोगों के समक्ष एक प्रस्ताव रख रहे हैं और उसको आप सहर्ष स्वीकार कीजिए। आप लोग दुखी रहेंगे तो हमारा यात्रा सुखमय नहीं हो सकता, हमारी यात्रा आपके सुख के ऊपर निर्भर है। आप लोग खुशी खुशी हमको छुट्टी देंगे तभी हमारी यात्रा निर्बाध चलेगी, और आप लोग दुखी रहेंगे तो हो सकता है कुछ बाधा पड़ जाए, फिर लौटना पड़े। अब चैतन्य महाप्रभु के आग्रह को देख करके वे लोग कहे कि ठीक है अब जा सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा किए। चैतन्य महाप्रभु शर्त रखे कि इस बार मैं अकेले जाऊंगा, साथ में कोई नहीं रहेगा। भक्त लोग कहे कि आप अकेले जाना चाहते हैं तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, जैसे आपका सुख हो वैसे जाइए, लेकिन हम लोग कहेंगे कि एक व्यक्ति को साथ जरूर ले लीजिए। अब एक व्यक्ति को साथ लेने में एक भारी समस्या है। चैतन्य महाप्रभु के अनेक प्रेमी भक्त हैं, अब एक को लेने पर दूसरे के मन में थोड़ा दुख लग सकता है।
कि हमारा स्थान नीचे है। भक्त लोग इस भाव को समझ रहे थे तो प्रस्ताव रखे कि देखिए एक एकदम नए भक्त हैं और बड़े ही सरल ब्राह्मण है, इनको साथ में लीजिए, ये रास्ते में आपका कौपिन साथ में रखेंगे, बहिर्वास रखेंगे और संध्या के समय कुछ भिक्षा मांग करके आपको प्रसाद पवाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु सहमत हो गए, वे सहमत हो गए और वन के पथ से वे यात्रा प्रारंभ किए। देखिए चैतन्य महाप्रभु वन के मार्ग से आ रहे हैं और उसके पीछे भी एक रहस्य है। झारखंड में आदिवासी हैं, जनजाति हैं, और वे लोग बहुत अंधविश्वास में हैं। वो चैतन्य महाप्रभु उनके बीच भक्ति का प्रचार करना चाहते थे तो इसलिए झारखंड का पथ का चुनाव किए। वो झारखंड के पथ से वे आ रहे थे, साथ में बलभद्र थे, भक्त थे। और चैतन्य महाप्रभु वन के रास्ते से आ रहे थे तो कहीं कहीं रास्ते पर ही बाघ सोए हुए थे, एकदम रास्ते पर बाघ सोए हुए थे। अब चैतन्य महाप्रभु बढ़े जा रहे हैं तो बलभद्र तो बहुत भयभीत होते थे, वे तो सेवक हैं, पीछे पीछे चल रहे थे लेकिन उनको बहुत भय लग रहा था। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो बाघ तो रास्ता छोड़ देते थे और चैतन्य महाप्रभु के तरफ देखने लगते थे। अब इस घटना को देख करके बलभद्र को बहुत आश्चर्य होता था। अब कहीं कहीं वे जा रहे हैं तो मतवाले हाथी हैं और वे नदी में हैं, चैतन्य महाप्रभु भी उसी घाट पर चले गए। बलभद्र तो भय अनुभव करते थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा जल उठा करके हाथियों पर डाल दिए तो वे नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। और इस कथा को आप लोग सुनते रहते हैं, मैं भी एक बार इधर बोला हूँ कि वन में जितने प्राणी हैं, चाहे वे पशु पक्षी हों, स्थावर जंगम हों, मनुष्य हों, चैतन्य महाप्रभु सबको भक्ति प्रदान किए, सब कीर्तन करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है कि उनके उपस्थिति से जो निसर्ग से बैरी हैं वे भी अपने बैर को भूल गए। देखिए कोई कोई प्राणी है कि जन्म से ही बैर है, जैसे बिल्ली और चूहा में, बिल्ली में चूहे के प्रति जन्म से बैर है, और कोई बाघ है तो बस जन्म से ही मृग को पकड़ने की वृत्ति है, हिंसक वृत्ति है। लेकिन वे अपने बैर भाव को भूल करके एक साथ मिल करके और कीर्तन कर रहे थे, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव। बाघ और मृग गला मिला करके एक साथ कीर्तन कर रहे थे, बोल रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु वन के पथ से गए और वे आगे बढ़ते गए और कह रहे हैं कि तार जो भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता था तो भगवान के भक्ति में डूब जाता था, कीर्तन करने लगता था। और वह जिस गांव में जाता था तो उसके कीर्तन को सुन करके दूसरे लोग भक्ति में लग जाते थे, तो ऐसे उस क्षेत्र के सब लोग भक्त हो गए। तो गौड़बंग उत्तकालादि दक्षिण देश गिया लोकेर निस्तार कैला आपने भ्रमिया मथुरा जवार छले आसी झारी खंडे भील प्राय लोक तहाँ परम पसंडे। दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु गए, वह भक्ति का प्रवर्तन किए
लेकिन वे मथुरा आने के क्रम में झारखंड में गए और भील प्राय लोग तहाँ परम पाषंडे, वहाँ जनजातियाँ हैं, कोल भील हैं और वे बहुत अंधविश्वास में हैं। उनका पूजा पद्धति बिल्कुल पाखंड है। नाम प्रेम दिया कैला सभा रनिष्ठार चैतन्य रे गूढ़ लीला बुझे शक्तिकार। और चैतन्य महाप्रभु तो उन्हीं के निस्तार के लिए, उनको भक्ति प्रदान करने के लिए वन मार्ग का चयन करते थे। वन देखे है भ्रम यही वृंदावन, सहल देखे मने है यही गोवर्धन। चैतन्य महाप्रभु वन देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हम तो वृंदावन में आ गए, पर्वत को देख करके वे ऐसा समझते थे कि यह गोवर्धन पर्वत है। जहाँ नदी देखे तहाँ मान ये कालिंदी, तहाँ प्रेमा बेसे नाचे प्रभु पड़े कांदी। और जहाँ भी कोई नदी दिख जाती थी तो चैतन्य महाप्रभु को यही लगता था कि ये तो यमुना जी है, और उनका प्रेम उच्छलित हो जाता था और वे क्रंदन करने लगते थे, उछलने लगते थे और कभी कभी भूमि पर मूर्छित हो जाते थे। पथे जाते भट्टाचार्य साक मूल फल जहाँ से ही पायन तहाँ लय न सकल। अब भट्टाचार्य थे, बलभद्र थे, तो रास्ते में जा रहे थे तो कुछ उपयोगी साग या कुछ सब्जी मिल जाता था तो उसको ले लेते थे। और पांच सात जन आसी और जे ग्राम में रहे न प्रभु तथा ब्राह्मण पांच सात जन आसी करे न निमंत्रण। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था कि जिस गांव में जाते थे तो उस गांव के कई एक ब्राह्मण आ करके उनको निमंत्रण देते थे, कई एक लोग एक साथ आ जाते थे। तो केहो अन्न आनी देवे भट्टाचार्य स्थाने, केहो दुग्ध दही केहो घृत खंड आने। कुछ ब्राह्मण तो आग्रह करते थे कि हमारे घर में आप प्रसाद ले लीजिए, हमारे घर भिक्षा स्वीकार कीजिए, और कोई कोई वहाँ दूध दही ला देते थे, कोई घी ला देता था, कोई राब ला देता था। जहाँ विप्र नहीं यहाँ शूद्र महाजन, जो ब्राह्मण नहीं थे तो वे लोग कच्चा सामग्री बलभद्र भट्टाचार्य के पास ला करके दे देते थे। तो आशीष सब भट्टाचार्य करे निमंत्रण, भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन प्रभु आनंदित मन। और कुछ भक्त लोग चावल ला देते थे और भट्टाचार्य तो रास्ते में कुछ साग संग्रह कर लेते थे तो आकर के संध्या को उसको बनाते थे। तो कह रहे हैं कि वन्य व्यंजन प्रभु आनंदित मन, वो वन के साग को खा करके चैतन्य महाप्रभु बड़े ही प्रसन्न होते थे। दुई चारे दिनेर अन्न राखे न संघति, जहाँ शून्य वन लोके नाही बसती। भट्टाचार्य इतना ध्यान रखते थे कि थोड़ा सा संग्रह रखते थे, किसी किसी दिन ऐसे स्थान पर रुकते थे चैतन्य महाप्रभु कि जहाँ कोई गांव नहीं था, तो थोड़ा एक दो दिन का सामग्री अपने साथ रखते थे। और तहाँ से ही अन्न भट्टाचार्य करे न पाक, फल मूले व्यंजन करे वन्य नाना साग। अब कोई गांव नहीं है तो उस दिन संध्या को रुके तो भट्टाचार्य जो अपने पास थोड़ा सा अन्न रखे हैं तो उसको, और रास्ते में जो साग जुटा लिए हैं तो उसको बनाते थे। तो कह रहे हैं कि निर्झरे उदंच के स्नान तीन बार और दुई संध्या अग्नितापे काष्ट अपार। चैतन्य महाप्रभु रास्ते में चल रहे थे तो रात्रि के समय
थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा था। वन प्रदेश में थोड़ा ठंडा अधिक लगता है, लेकिन तीनों टाइम स्नान करते थे और दोनों समय अब स्नान करने में प्रातःकाल और संध्या को थोड़ा जाड़ा लगता था, तो भट्टाचार्य तो लकड़ी जला देते थे, चैतन्य महाप्रभु आग ताप लेते थे। अब जंगल में सूखी लकड़ी की कमी नहीं थी, तो लकड़ी जुटा करके और आग जला देते थे। तो दूरी संध्या अग्निताप पे काष्ट अपार निरंतर प्रेमावेश निर्जन गमन सुख अनुभवी प्रभु कहे न बचन। चैतन्य महाप्रभु निर्जन पथ से जा रहे हैं तो वे बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं, इस अर्थ में कि हमेशा उनको वृंदावन का स्मरण हो रहा है, वृंदावन के भाव में निमग्न रह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि निरंतर प्रेमावेश निर्जन गमन सुख अनुभवी प्रभु कहे न बचन। अब निरंतर निर्जन पथ में जा रहे हैं, प्रेम के आवेश में हैं, तो अब बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं और सुख के अनुभव में वे कुछ कहने लगे। वे कहने लगे, कृष्ण कृपालु आमार बहु कृपा कैला, वन पथे आनी आमा बड़ सुख दिला। कृष्ण बहुत ही कृपालु हैं, हमको वन पथ से लाए और हमको बहुत सुख दिए। पूर्वे वृंदावन जाते करी लाम विचार और माता गंगा भक्तगण देखिब एक बार। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि पहले मैं वृंदावन जाने का विचार किया था और सोचा था कि एक बार गंगा का दर्शन करूंगा, माँ का दर्शन करूंगा, तो भक्तगण संगे अवश्य करीब मिलन, भक्तगण संगे लिया जा वृंदावन, उधर के भक्तों से मिलूंगा और उनको ले करके मैं वृंदावन जाऊंगा। तो एता भावी गौड़ देशे करी लगा मन, माता गंगा भक्त देखे सुखी हैला मन। कि उसी उद्देश्य से मैं बंगाल में गया और माँ का दर्शन करके, गंगा का दर्शन करके, तो हमको बहुत सुख मिला, मन सुखी हुआ। भक्तगण लैया तवे चली बार रंगे, लक्ष कोटि लोक तहा हैला आमा संगे। यानी कि भक्तों के साथ ही बड़े उत्साह से वृंदावन भी जाना चाहता था, लेकिन उस समय तो लाखों लाख लोग हो गए, करोड़ों लोग साथ हो गए, तो सनातन मुखे कृष्ण आमा सिखा इला। अरे कि सनातन गोस्वामी के मुख से तो कृष्ण ही हमको शिक्षा दिए कि यह विघ्न करी वन पत्थर लिया आईला, और वहाँ विघ्न डाल करके यात्रा को रोक करके वन के रास्ते से लाए। कृपा र समुद्र दीनहीन दयामय, कृपा करी कृष्ण कृपा बिने कन सुख नहीं है। कि कृष्ण तो कृपा के समुद्र हैं और उनके कृपा के अभाव में, उनके कृपा के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। और भट्टाचार्य आलंगिया ताहारे कहिला, तुम्हार प्रसादे आमी इत सुख पाइला। चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य का आलिंगन की और कहे कि तुम्हारे चलते हमको इतना सुख मिला। तेहो कहें तुम्हें कृष्ण तुम्हें दयामय, अधम जीव मोई मोरे हईला सदा। वे भट्टाचार्य कहने लगे कि आप तो ईश्वर हैं और आप तो दयामय हैं, तो आप तो हम पर कृपा किए, हम आपकी क्या किए। मुई छार मोर तुम्हें संगे लिया आईला, कृपा करी मोर हाथे भिक्षा जे करीला। ये तो आपकी कृपा है, हम पर अनुग्रह किए, हमको साथ लाए और हमारे हाथ बनाया हुआ आप भिक्षा स्वीकार किए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बड़े ही आनंद के साथ वृंदावन के तरफ बढ़ रहे हैं। झारखंड को पार करके बनारस में रुके, लेकिन
बनारस का बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। बनारस के जो सन्यासी थे वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति कोई अच्छा भाव नहीं रखते थे। वहीं एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, उनको सन्यासियों से मेल था। वो चैतन्य महाप्रभु के विषय में वे कहे प्रकाशानंद से कि एक बहुत तेजस्वी सन्यासी आए हैं, उनका नाम कृष्ण चैतन्य है और वे कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा ही आकर्षक है। हमारे मन में तो ऐसा लगता है कि भगवान के स्वरूप है। और प्रकाशानंद कहने लगे कि अरे अरे तुम इस किस फेरे में पड़ गया, तुम नहीं जानते हो, वह तो पाखंडी है और ऐसे ही जिनको बुद्धि नहीं है मूर्ख लोगों को जाल में फंसाए रहा है, वो तो जादूगर जैसा अपना प्रभाव दिखा रहा है, तुमको ये सब फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। और उस महाराष्ट्र के ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ, वे प्रकाशानंद के बात से सहमत नहीं हुए। बहुत लोग निंदा कर रहे थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु अब चुपचाप वहाँ से चले आए। बनारस से आगे बढ़े तो प्रयागराज में आए, तो प्रयाग आसिया प्रभु कैला बेड़ी स्नान। चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए तो संगम पर स्नान किए और माधव देखिया प्रेम कैला नृत्य गान, और वहाँ बेड़ी माधव जी का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से कीर्तन किए, नृत्य किए। जमुना देखिया प्रेमे पड़े झाँप दिया, आस्ते व्यस्ते भट्टाचार्य उठा धरिया। अब प्रयागराज में इलाहाबाद में जमुना जी को देखे तो चैतन्य महाप्रभु का धैर्य खत्म हो गया, जमुना जी में कूद गए प्रेम के आवेश में। भट्टाचार्य उनको जैसे तैसे तट पर लाए। तो यही मत तीन दिन प्रयागे रहिला और कृष्ण नाम प्रेम दिया लोके निस्तारिला। जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु तीन दिन प्रयाग में रुके और वहाँ कृष्ण प्रेम का दान किए और लोक का निस्तार किए। मथुरा चलिते जहाँ प्रेम रही जाए, कृष्ण नाम प्रेम दिया लोके नचाए। मथुरा चलिते जहाँ प्रेमे रही जाए, कृष्ण नाम प्रेम दिया लोके नचाए। अब प्रयागराज से आगे बढ़े मथुरा के लिए तो सबको कृष्ण प्रेम में नचा दिए। पूर्वे जैसे दक्षिण जाते लोक निस्तारी ल, पश्चिम जैसे तैसे सब वैष्णव करी ल। जैसे दक्षिण भारत के यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु सबको वैष्णव बना दिए, उस देश में जो भी व्यक्ति थे सबको वैष्णव बनाए, तो उसी प्रकार पश्चिम देश में भी अनेक लोगों को वैष्णव बनाए। पथ जहाँ जहाँ है जमुना दर्शन, तहाँ झाप दिया पड़े प्रेमी अचेतन। अब रास्ते में जहाँ जहाँ जमुना जी दिख जाती थी वो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उच्छलित हो जाता था और उसी में कूद जाते थे। मथुरा निकट आइला, मथुरा देखिया दंडवत हैला पड़े प्रेमाविष्ट हैया। अब चैतन्य महाप्रभु मथुरा के नज़दीक आए तो मथुरा को देख करके तो प्रेम में आविष्ट हो गए और सबसे पहले दंडवत प्रणाम किए। देखिए यही सदाचार है, भगवान के धाम में जाते हैं तो धाम में पहुँचते ही सबसे पहले धाम को नमस्कार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु यही आचरण दिखा रहे हैं। मथुरा निकटे अला, मथुरा देखिया दंडवत हैया पड़े प्रेमाविष्ट हैया। मथुरा आसिया कैल विश्रांति तीर्थ स्नान और जन्म स्थाने केशव देखी करिला प्रणाम।
चैतन्य महाप्रभु मथुरा में आए तो विश्राम घाट पर स्नान किए, कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण यमुना जी के जिस घाट पर स्नान किए, विश्राम किए, उसी का नाम विश्राम घाट है। वो बहुत भारी तीर्थ है। और जन्म स्थाने केशव देखे करीला प्रणाम, वे जन्म स्थान पर गए, केशव जी का दर्शन किए, प्रणाम किए और प्रेमानंद नाचे गाए सघन अहंकार प्रभुर प्रेमा वैसे देखे लोके चमत्कार। अब केशव देव का दर्शन करके तो कीर्तन करने लगे, हुंकार करने लगे। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को देख करके, उनके हुंकार को देख करके तो सब लोग चमत्कृत हो गए। एक विप्र पड़े प्रभु चरण धरिया और प्रभु संगे नृत्य करे प्रेमाविष्ट हैया। अब मथुरा के घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि सब लोग कीर्तन में चमत्कृत थे, लेकिन एक ब्राह्मण आया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नमस्कार किया और चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रेम में आविष्ट हो करके कीर्तन करने लगा। दोहे प्रेम नृत्य करे करे कोला कोली, हरि कृष्ण कहे दोहे बोले बाहु तुली। चैतन्य महाप्रभु और वह ब्राह्मण दोनों प्रेम में आविष्ट हो करके कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे और हाथ उठा करके हरि बोल ऐसे बोलने लगे। लोके हरि हरि बोले कोलाहल हैल केशव सेवक प्रभु के माला परा इला। अब खूब कीर्तन किए और बहुत वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, तो भगवान के जो पुजारी थे केशव देव के जो पुजारी थे तो चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद माला दिए। प्रभु देखे लोके कहे हई या विस्मय ए रूप ए प्रेम लौकिक कभू नय। मथुरा में जो भी चैतन्य महाप्रभु को देखता था तो यही कहता था कि यह कोई लौकिक रूप नहीं है, यह कोई लौकिक प्रेम नहीं है। हंसे कांदे नाचेगा कृष्ण नाम लैया सर्वथा निश्चित यहाँ कृष्ण अवतार मथुरा आइला लोकेर करित निस्तार। सब लोगों के मन में यही विचार आ रहा था कि कोई लौकिक पुरुष नहीं हो सकता। वे अपना निश्चय सुना रहे थे कि यह भाई एकदम निश्चित बात है कि इहो कृष्ण अवतार, ये कृष्ण के अवतार हैं और मथुरा आइला लोकेर करित निस्तार। वे मथुरा में आए हैं लोगों का निस्तार करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए। तबे महाप्रभु से ब्राह्मण लइया ताहारे पूछिला के छो निभृत बसिया। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के प्रेमावेश को देखे और उसके प्रति उनका ध्यान आकृष्ट हो गया। उस ब्राह्मण को एकांत में बुलाए और उनसे पूछने लगे। आर्य सरलत्व में वृद्ध ब्राह्मण कहा है ते पहला तुम्हें यही प्रेमधन, क्योंकि आप तो वृद्ध व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, अब कृष्ण का प्रेम कहाँ से पा गए, ऐसा प्रेम कहाँ से पाए। विप्र कहे श्रीपाद श्री माधवेंद्र पुरी भ्रमिते भ्रमिते आइला मथुरा नगरी। वे ब्राह्मण कहने लगे कि एक बार की घटना है, माधवेंद्र पुरी दर्शन के क्रम में मथुरा आए और कृपा करी तेहो मेरे निलय आईला मोरे शिष्य करी मोरे हाथे भिक्षा लईला। वे कह रहे हैं कि कृपा करके मेरे घर आए और हमारे हाथ का प्रसाद स्वीकार किए। गोपाल प्रकट करी सेवा कैला महाशय अद्यापि तार सेवा गोवर्धन है। विप्र बतला रहे हैं, ब्राह्मण बतला रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी तो गोवर्धन में गोपाल जी को प्रकट किए और आज भी गोपाल जी का वहाँ पूजा चल रहा है। सुनी प्रभु हैला तार चरण बंदन, सुनी प्रभु कैला तार चरण बंदन भय पाया प्रभु पाए पड़ीला ब्राह्मण। अब चैतन्य महाप्रभु सुने
कि माधवेंद्रपुरी जी इनके यहाँ प्रसाद ग्रहण किए और माधवेंद्रपुरी शिष्य बनाए और चैतन्य महाप्रभु तो उस ब्राह्मण के चरण में गिर गए। अब ब्राह्मण के चरण में गिरे तो ब्राह्मण तो भय से कांप गया। वे क्यों कांप गए? तो ब्राह्मण तो सोच रहे थे कि मैं गृहस्थ हूँ और ये सन्यासी है तो हमको ये नमस्कार कर रहा है, यह क्या बात है? तो सन्यासी तो सबके लिए पूज्य है, सबसे ऊपर सन्यासियों का स्थान है। अब चैतन्य महाप्रभु नमस्कार कर रहे हैं तो कांप गए, भय पाया प्रभु पाए पड़ीला ब्राह्मण नहीं। तो वे सुनी प्रभु कैला तार चरण बंदन, भय पाया प्रभु पाए पड़ीला ब्राह्मण। अब तो ब्राह्मण भयभीत हो करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर गया। अब चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरा तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि तुम्ही गुरु आमी शिष्य, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप गुरु हैं और हम शिष्य हैं। प्रभु कहे तुम्ही गुरु आमी शिष्य प्राय, गुरु है या शिष्य नमस्कार न जुआए। कि आप तो गुरु हैं मैं तो आपके शिष्य हूँ, तो शिष्य को गुरु को गुरु का नमस्कार करना यह तो ठीक नहीं लग रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो अपने को शिष्य मान रहे हैं और वो ब्राह्मण अपने को गृहस्थ मान रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको नमस्कार किए तो भयभीत हो गए कि एक सन्यासी हमको नमस्कार कर रहा है। और वे ब्राह्मण भय के मारे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरे तो चैतन्य महाप्रभु को यह बात अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि ब्राह्मण को गुरु के रूप में देख रहे हैं। तो वे कहे कि गुरु है या शिष्य नमस्कार न जुआ, आप तो गुरु हैं शिष्य को नमस्कार कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है। किंतु तुम्हार प्रेम देखे मने अनुमानी माधवेंद्रपुरी संबंध धर जानी। चैतन्य महाप्रभु कहे कि आपसे पूछने पर सब चीज स्पष्ट हो गया, लेकिन उसके पहले भी आपके व्यवहार को देख करके आपके प्रेम को देख करके मैं अनुमान कर लिया था कि आपका माधवेंद्रपुरी से संबंध जरूर होगा, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के संबंध के बिना इस प्रकार का प्रेम संभव नहीं है। कृष्ण प्रेमा तहाँ जहाँ ताहार संबंध, तारा बिना यही प्रेमा कहाँ नहीं गंध। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि जहाँ भी उत्कृष्ट प्रेम है तो माधवेंद्रपुरी का रिलेशन जरूर है, बिना माधवेंद्रपुरी के रिलेशन के तो ऐसा प्रेम संभव ही नहीं। तबे भट्टाचार्य तारे संबंध कही ल सुनी आनंदित विप्र नाचित लागी ल। अब वो ब्राह्मण तो नहीं समझ रहे थे कि ये सन्यासी कौन है, सब ये पूछे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन भट्टाचार्य बतलाए ये चैतन्य महाप्रभु का माधवेंद्रपुरी से क्या संबंध है। माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं कि आप गुरु हैं और हम शिष्य हैं, वो ब्राह्मण को ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन तथ्य समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी, तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य से चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिए, तो एक तरह से माधवेंद्रपुरी के जितने शिष्य हैं तो गुरु तुल्य हैं। जैसे जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल हैं तो हम लोगों के लिए गुरु तुल्य हैं। तो जब भट्टाचार्य यह बतलाए कि चैतन्य महाप्रभु भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, तो इस बात को सुन करके उस ब्राह्मण को बहुत आनंद हुआ, नाचने लगा। तबे विप्र प्रभु लैया आइला निज घरे आपन इच्छाए प्रभु नाना सेवा करे। वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लाए और उनके बहुत बहुत सेवा किए। भिक्षा लागे भट्टाचार्य कराई लरंधन,
और तबे महाप्रभु आसे बलिला बचन। वे ब्राह्मण भट्टाचार्य को भिक्षा के लिए सब निर्देश दे रहे थे रंधन करने के, भोजन बनाने के लिए, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, पूरी गोसाई तोमार ठाई करिया च भिक्षा, मोरे तुम्हें भिक्षा देह यही मोर शिक्षा। भट्टा नहीं, वो ब्राह्मण है तो चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे तो उनसे रंधन कराना चाहते थे, सामग्री वे जुटाते और भोजन बनाते भट्टाचार्य। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए और कहे कि आप स्वयं ही हमको भोजन दीजिए, क्योंकि आप माधवेंद्रपुरी को भोजन कराए हैं तो आप खुद हमको भोजन कराइए, आप ही भिक्षा दीजिए, क्योंकि अब हमारे आचार्य ही आपके यहाँ भिक्षा किए हैं तो स्वाभाविक है कि हम भी भिक्षा करेंगे। अब यह बात सुन करके तो ब्राह्मण प्रसन्न हुए, लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे कि हमको आप भिक्षा का अवसर देंगे, भोजन करने का अवसर देंगे तो हम तो प्रसन्न होंगे, लेकिन इसके साथ एक कठिनाई है कि हम सुनरिया ब्राह्मण हैं और हमारे यहाँ आप भोजन करेंगे तो लोग आपके शिकायत करेंगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके शिकायत हो, लोग शिकायत करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहे कि देखिए, अब कहने वाले तो बहुत बहुत लोग हैं इस संसार में, देखिए तो बहुत लोग हैं और उनका विचार अलग अलग है, लेकिन महाजनों जिन गतः सपन्ता, लेकिन जो पूर्व के आचार जो आचरण किए हैं तो उसी पर चलना चाहिए। माधवेंद्रपुरी आपके यहाँ भिक्षा स्वीकार किए हैं तो हम भी आपके यहाँ भिक्षा लेंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने से ही प्रस्ताव रखे और चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर पर रहे। वो भगवान किसी बंधन में नहीं है, भगवान पर किसी का बंधन नहीं है, वे स्वतंत्र हैं और वे उस ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा स्वीकार किए। तबे से ही विप्र प्रभु के भिक्षा कराई ल मथुरा पुरीर लोके प्रभु के देखित आई ल। अब तो लाखों लाख लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु सबको भक्त बनाए, और जिस ब्राह्मण के घर रुके थे तो वही उनको मथुरा का दर्शन कराए और 24 घाटों पर जमुना जी में स्नान कराए। तो ब्राह्मण को सब पता था, तो जो भी घाट थे जमुना के तीर्थ थे तो उस पर स्नान कराए। और अब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि हम ब्रज के वनों का दर्शन करें, वो वन देखी बारे यदि प्रभुर मन है ल से ही तो ब्राह्मण निज संग करी लई ल। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि ब्रज के वन का हम दर्शन करें तो उस ब्राह्मण को ही साथ में ले लिए। मधुबन मधुबन ताल कुमुद बहुला बन गेला और तहाँ तहाँ स्नान करी प्रेमाविष्ट हईला। उस ब्राह्मण के साथ चैतन्य महाप्रभु मधुबन में गए, ताल वन में गए, कुमुद वन में गए, बहुला वन में गए और वहाँ सरोवर में स्नान करके प्रेम में आविष्ट हो जाते थे। अब वर्णन कर रहे हैं कि पथे गाभी घटा चरे प्रभु के देखिया और प्रभु के विष्टय आसी हुंकार करिया। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में चल रहे हैं विभिन्न वनों का दर्शन करने के लिए, तो अब रास्ते में गायों का झुंड मिलता था और चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो गाय उनको घेर लेती थी। गाभी देखे ने प्रभु के विष्टय आसी हुंकार करिया,
वे गाय हुंकार करते हुए रंभाते हुए आ करके और चैतन्य महाप्रभु को घेर लेती थी। तो कह रहे हैं कि गाभी देखी स्तब्ध प्रभु प्रेमे तरंगे वात्सल्य गाभी प्रभु प्रभुर चाटे सब अंगे। अब गायों को देख करके तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम और तरंगायित हो जाता था, उच्छलित हो जाता था। वे तो उद्दीपन का काम करती थी और गायों के हृदय में और चैतन्य महाप्रभु के प्रति वात्सल्य जग जाता था। और जैसे अपने बछड़े को गाय चाटती है वैसे चैतन्य महाप्रभु को आकर के चाटने लगती। देखिए ब्रज की यह विशेषता है कि वहाँ के गोपियों में ही केवल वात्सल्य भाव नहीं है, वहाँ के गायों में भी वात्सल्य भाव है। और भगवान के विशेषता पर ध्यान देना चाहिए कि वे किसी के भाव का तिरस्कार नहीं करते। आप फोटो में देखते होंगे कि एक तरफ से बछड़े दूध पी रहे हैं और एक तरफ से कृष्ण खुद ही गाय का छेमी मुंह में डाले वे दूध पी रहे हैं। कभी कभी ऐसा फोटो देखे हैं कि भगवान बछड़े को गाय के बछड़े को थोड़ा दूर हाथ से ऐसे रखे हैं और खुद ही स्तनपान कर रहे हैं। और गायों को परम सुख मिलता है गायों के वात्सल्य प्रेम को देख करके। और जशोदा के अतिरिक्त तो और जो गोपियाँ थी उनके वात्सल्य प्रेम को देख करके भगवान एक साल तक बछड़े बने और ग्वाले बने। और ब्रह्मा जी तो एक निमित्त बन गए। वास्तव में कृष्ण जब वन से लौटते थे तो वात्सल्यमय गोपियाँ उनको अपने गोद में उठा लेती थी। अब गोद में उठाने पर उनको बहुत सुख मिलता था लेकिन उनके भाव उनके मन में एक विचार आ जाता था कि आखिर हम लोगों को इतनी लालसा है, इतना सुख पा रहे हैं तो माँ यशोदा तो इनको जन्म दी है तो उसके मन में भी तो लालसा होगी कि हम भी गोद में उठावें, हम ही अपने गोद में उठाए रखेंगे तो उसकी लालसा पूर्ण नहीं हो सकती। ओ उनको कृष्ण के स्पर्श से अभी तृप्ति नहीं थी, उनका मन भरा नहीं होता लेकिन माँ यशोदा को सुखी करने के लिए गोद से उतार देती थी लेकिन उनको तृप्ति नहीं थी। उनकी इच्छा होती थी कि हम और देर तक कृष्ण को अपने गोद में रखें। और गायों की भी यह भावना थी कि हम कृष्ण को दूध पिलाएं। तो भगवान गाय और गोपियों के भावना का विचार करके पूरा एक साल तक उनको अवसर दिए। सब गोपी के गोद में बैठे, उनका गोद में बैठे गोपियाँ उनको सहलाई, गायों का दूध पिए। भगवान ग्वाल भी बन गए थे, बछड़ा भी बन गए थे। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वात्सल्य गाभी प्रभुर चाटे सब अंग और सुस्त हैया प्रभु करे अंग कंडुयान। और गायें और चैतन्य महाप्रभु के अंग को चाटने लगते तो चैतन्य महाप्रभु भी एकदम स्थिर हो जाते थे और गायों को सहलाने लगते थे, उनके शरीर को खुजलाने लगते थे। तो प्रभु संगे चले नहीं छाड़े धेनुगण कष्टे सृष्ट धेनु सब राखिल गोयाल। चैतन्य महाप्रभु रास्ते में चल रहे हैं तो गायें पीछे पीछे चलने लगती थी। अब ग्वालों को तो गाय को अपने घर ले जाना है तो बड़े कष्ट से वे कृष्ण से दूर करते थे, अपने घर के तरफ ले जाते थे। और प्रभु कंठ सुनी आई से मृगी पाल और मृगी मृग मुखी मुखे देखे प्रभु अंग चाटे। मृग मृगी मुखे देखे प्रभु अंग चाटे। और रास्ते में चलते समय झुंड के झुंड हरिणियाँ आ जाती थी और हरिण और हरिणियाँ कृष्ण के तरफ देखते थे और कृष्ण
के अंग को चाटने लगते थे। भय नहीं करे संगे जाए बाटे बाटे वे कह रहे हैं कि मृग मृगों को कोई भय नहीं था। वे रास्ते में उनके साथ चलते थे, कृष्ण के साथ चलते थे। अंगेर सौरभ्य मृग मृगी श्रृंग उठे कृपा करी प्रभु हस्ते दिलातार पीठे। चैतन्य महाप्रभु के नहीं, हाँ चैतन्य महाप्रभु के अंग के गंध को सुन करके तो मृग मृगी अपने गर्दन को उठा लेते थे और चैतन्य महाप्रभु भी उनके शरीर पर अपना हाथ फेरने लगते थे। तो पीक सुख प्रभु के देखी पंचम गाय सीखी गण नृत्य करे प्रभु आगे जाए। पक्षी जब चैतन्य महाप्रभु को देखते थे तो उच्च स्वर में गाने लगते थे और मयूर चैतन्य महाप्रभु को देख करके आगे जा करके नृत्य करने लगते थे। प्रभु देखे वृंदावन वृक्ष लता गण अंकुर पुलक मधु अश्रु बरिषण। और वृक्ष जब चैतन्य महाप्रभु को देखते थे तो उनको इतना आनंद होता था कि वे रोमांचित हो जाते थे। रोमांचित होने का अर्थ है कि वृक्ष में नए नए पत्ते उगने लगते थे, यही उनका रोमांच है। और आनंद के मारे उनसे मधु झरने लगता था। तो कह रहे हैं कि फूल फल भरी डारी पड़े प्रभु पाए बंधु देखी बंधु जेना भेंट लय जाए। अब चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं तो वृक्ष उनके चरणों में फूल और फल अर्पित करते थे, उनके हाथों में फूल फल अर्पित करते थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अपने संबंधी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो प्रभु देखे वृंदावनेर अस्थावर जंगम आनंदित बंधु जेना देखे बंधु गण। वृंदावन के जो भी प्राणी थे चाहे स्थावर हो या जंगम सब आनंदित थे। जैसे अपने रिलेशन के लोग को देख करके अपने संबंधी को देख करके कोई व्यक्ति आनंदित होता है तो वैसे वृंदावन के प्रतीक स्थावर और जंगम प्राणी आनंदित हो रहे थे। ताशाभर प्रीति देखी प्रभु भावावेशे सभा सने क्रीड़ा करे हैया तार बसे। अब वृंदावन के प्राणी कृष्ण के साथ ऐसा प्रेम व्यवहार कर रहे हैं तो प्रेम के कारण उनके प्रेम के कारण कृष्ण भी उनके चैतन्य महाप्रभु भी वशीभूत हो गए और उनके साथ विविध प्रकार की लीला करने लगे। सभासन क्रीड़ा कर हैया तार बसे प्रति वृक्ष लता प्रभु करे न आलिंगन। वे क्या लीला करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु एक एक वृक्षों का आलिंगन करने लगे और पुष्पादि ध्याने करें कृष्ण समर्पण और वे फूल इत्यादि को कृष्ण को अर्पित करने लगे। अश्रुकंप पुलक प्रेमे शरीर अस्थिर कृष्ण बोला कृष्ण बोला बोले उच्च स्वरे। और चैतन्य महाप्रभु वृक्षों को आलिंगन करने से रोमांच हो रहा था, पुलक हो रहा था और चैतन्य महाप्रभु जोर से बोलने लगे कृष्ण बोला कृष्ण बोला। अब ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं स्थावर जंगम मिली करे कृष्ण ध्वनि प्रभुर गंभीर स्वरे जेन प्रतिध्वनि। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे हरि बोल। तो जितने भी वृक्ष थे या जो भी प्राणी थे सब बोलते थे हरि बोल। ऐसे देखने में लगता था कि चैतन्य महाप्रभु के प्रतिध्वनि आ रही, इको आ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि चैतन्य महाप्रभु के आह्वान पर सब कीर्तन कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु तो मृगेर गला धरी प्रभु करे न रुदन और मृगेर पुलक अंग अश्रु नयन। चैतन्य महाप्रभु वन के हरिणों को पकड़ करके और उनका आलिंगन करते थे। अब चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पा करके तो मृग को रोमांच हो जाता था, अश्रु बहने लगते थे नयन से।
और वृक्ष डाले सुख सारी दिले दर्शन ता देखी प्रभुर किछु सुनते अला मन। वृक्ष थे और उन पर चैतन्य महाप्रभु देखे कि कई एक पक्षी बैठे हैं। अब वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो उनको देख करके चैतन्य महाप्रभु के मन में विचार आया कि इनसे कुछ सुनना चाहिए। और जे वही चैतन्य महाप्रभु को यह विचार आया कि इनसे कुछ सुनना चाहिए तो पक्षी चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर आकर के बैठ गए और वे श्लोक बोलने लगे। चैतन्य महाप्रभु उसको सुनने लगे। वो पक्षी आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर बैठ गए और श्लोक बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु सुन रहे। और उसी क्रम में एक जो सूक है तो वह आकर के और श्लोक बोलने लगा। वो सूक चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर आया, बैठा और वो श्लोक बोल रहा है। तो श्लोक बोल रहा है, प्रभु के सुनाइया कृष्ण गुण श्लोक पढ़े। चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के लिए एक श्लोक बोल रहा है। श्लोक है, सौंदर्यम ललनाली धैर्य दलनम और लीला रमा स्तंभिनी। कह रहे हैं कि कृष्ण का जो सौंदर्य है तो झुंड के झुंड स्त्रियों के धैर्य को समाप्त करने वाला, जो उनका सतीत्व है उसको समाप्त करने वाला। और कृष्ण की ऐसी लीला है कि लक्ष्मी जी भी उसके लिए ललायित हो जाती है। और कृष्ण का ऐसा पराक्रम है कि जो श्रेष्ठ पर्वत है तो वह भी गेंद के समान हो जाता है। और पारे परार्धम गुणा, उनके गुण तो अनंत हैं, संख्या के सीमा को ही पार कर जाते हैं। और लीला सर्वजनानुरंजनम, और उनके जो लीला है सबको आनंदित करने वाला है। और कह रहे हैं कि ऐसे हमारे प्रभु हैं जिनका कीर्ति सारे संसार को पवित्र करने वाला है, तो वही प्रभु हम सबकी रक्षा करें। तो श्लोक में सुख बोल रहा है कि प्रभु सबकी रक्षा करें, सारे संसार की रक्षा करें। और सुख सारे संसार के मंगल के लिए प्रार्थना कर रहा है और कृष्ण के गुणों का उल्लेख कर रहा है। तब कृष्ण के किस किस गुण का उल्लेख कर रहा है, और यहाँ तो अभी एक लिफ्ट समझिए कि उनका सौंदर्य स्त्रियों के समूह के धैर्य को नष्ट करने वाला, उनकी जो लीला है तो लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करने वाली, उनका बल है कि पर्वत को भी गेंदा के तुल्य बना देता है, और उनका जो कीर्ति है तो सारे संसार को पवित्र करने वाला। तो ऐसे भगवान के गुण का वर्णन करते हुए सुख प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि वही हमारे स्वामी सारे संसार की रक्षा कर। तो पहले से ही पता था कि श्लोक की व्याख्या नहीं हो पाएगी, तो आज हम लोग यहाँ पहुँच गए, कल इस श्लोक की व्याख्या सुनेंगे। हरे कृष्ण।